हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीसी वेरे गेमिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोविच अटैक स्ट्रेटजी, या फिर उसको बोल सकते हैं गोबोविच। ये टाउन हॉल 10 की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक स्ट्रेटजी है। आगे वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इस अटैक स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है और आपको कितने लेवल के हीरो चाहिए और इसका सबसे अच्छा आर्मी कंपोजिशन क्या है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये भी कमेंट कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट किस अटैक स्ट्रेटजी पे वीडियो चाहिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हीरोज लेवल। आपको कितने लेवल के हीरो चाहिए इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए? तो आपको किंग और क्वीन 30 या फिर 30 प्लस लेवल के चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम इस स्ट्रेटजी का यूज कहाँ पे कर सकते हैं और किस टाइप के बेसिस पे कर सकते हैं। इस अटैक स्ट्रेटजी का यूज आप वार में कर सकते हैं या फिर पुशिंग के लिए। मैं फार्मिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क क्लिकजर लेता है। और आप इस स्ट्रेटजी का यूज सभी टाइप के बेसिस पे कर सकते हैं। टाउन हॉल 10 का कैसा भी बेस हो, आप उसको इजीली ट्रिपल ले लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस स्ट्रेटजी का आर्मी कंपोजिशन क्या है। आपको सेम यही आर्मी कंपोजिशन यूज करना है सभी टाइप के बेसिस के लिए। और आपको सीसी में यूज करना है एक जायंट और 5 बॉलर, और अर्थक्वेक कंपलसरी है वो भी मैक्स लेवल का। और सीज में आप लोग लॉन्चर या वॉल रेकर दोनों में से कोई कभी यूज कर सकते हैं। दोनों इस अटैक स्ट्रेटजी के लिए अच्छे हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको इस अटैक स्ट्रेटजी का यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको 4 लाइटनिंग स्पेल और 1 अर्थक्वेक स्पेल से 1 इन्फर्नो को डाउन करना है। और इन्फर्नो के साथ साथ आपको अगर कोई स्प्लैश डैमेज वाला डिफेंस मिल रहा हो तो उसको भी डाउन कर लें। जैसे ही एक इन्फर्नो डाउन हो जाता है, आपको सेकेंड इन्फर्नो की तरफ से 2 गोलम डिप्लॉय कर देने हैं जो कि टैंकिंग का काम करेंगे, और उसके पीछे से 2-2, 3-3 विजार्ड डिप्लॉय कर देने हैं जिससे आपका फनल क्रिएट होगा। और दोनों गोलम थोड़े डिस्टेंस पे छोड़ने हैं जिससे कि फ्रंट लाइन वाले जितने भी डिफेंसेस हैं वो सब गोलम्स पे लॉक हो जाए, जिससे विजार्ड इजीली फनल क्रिएट कर लें और फर्स्ट लेयर वाले सारे के सारे डिफेंसेस को डाउन कर लें। जैसे ही फर्स्ट लेयर वाले सारे के सारे डिफेंसेस और ट्रेस बिल्डिंग डाउन हो जाते हैं, आपको उन दोनों के बीच से वॉल ब्रेकर या फिर लॉक लॉन्चर डिप्लॉय कर देना है। और फर्स्ट लेयर ऑफ वॉल ब्रेक होने के बाद आपके जितने भी सारे बीचेस और वॉलर्स हैं उन सबको डिप्लॉय कर देना है। फिर जैसे ही सारे के सारे आपके ट्रूप्स अंदर पहुंचे, अगर एनिमी का सीसी निकलता है तो उसके ऊपर पॉइजन दे देना है और अपने फर्स्ट हील स्पेल का यूज कर लेना है। उसके बाद आपको वेट करना है, आपका सीज जैसे ही टाउन हॉल के पास पहुंचे और जाके वहां ब्रेक हो और उसके बॉलर्स निकल जाएं, तो वहीं पे आपको एक हील और रेज स्पेल का यूज करना है जिससे आपके सीसी वाले बॉलर्स बचे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेस को डाउन करने में आपकी हेल्प करें, क्योंकि सीसी वाले बॉलर्स कोर में जाके बहुत ही ज़्यादा डिफेंसेस को डाउन करने का काम करते हैं। और वहीं पे मैक्सिमम बेसिस 3-स्टार हो जाते हैं क्योंकि बॉलर्स इतना अच्छा काम करते हैं जिससे बेस में कुछ बचता ही नहीं है। ट्रेस बिल्डिंग के अलावा 1-2 डिफेंसेस बचते हैं जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं क्योंकि अभी हमारे बीचेस जिंदा होती हैं। तो चलते हैं रिप्ले की तरफ, वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपने ट्रूप्स और हीरोज का कैसे यूज करना है। आ चुके हैं हम अपने फर्स्ट रिप्ले की तरफ। जैसा कि ये बेस दिख रहा है, ये फुल्ली मैक्स आउट टाउन हॉल 10 का बेस है। तो सबसे पहले आपको 2 गोलम डिप्लॉय करने हैं जो कि टैंकिंग काम करेंगे, जिससे आपके विजार्ड फनल क्रिएट करने का काम कर दें। मैंने एक एक विचेस इसलिए डिप्लॉय कर दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर की साइड ट्रैश बिल्डिंग थी, और जैसे ही फनल क्रिएट हो गया तो मैंने सारे के सारे विचेस डिप्लॉय कर दिए जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छे से फनल हो जाए। और जैसे ही वॉल ब्रेकर ने बॉल को ब्रेक कर दिया, हमने अपने हीरोज और बॉलर्स को डिप्लॉय कर दिया जो कि सीधे कोर में जाएंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेस डाउन करने में हेल्प करेंगे। इनमी के सीसी में इलेक्ट्रो ड्रैगन था तो वहाँ पे मैंने पॉइजन दे दिया और वो इजीली डाउन हो गया। और जैसे ही हमारे सीसी के बॉलर्स निकले, हमने वहाँ पे हील और रेज का यूज कर दिया जिससे हमारे सीसी के बॉलर्स ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेस डाउन करने में हमारी हेल्प करें। तो इस बेस में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, एक एक्सपो बचा है, वहाँ हमने हील का यूज कर दिया क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा हील था। अब इजीली ये बेस डाउन हो जाएगा। हमारी क्वीन अभी अलाइव है, वो भी एबिलिटी के साथ, और इस बेस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, मैंने इन्फर्नो को लेट ब्रेक किया। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको इन्फर्नो को पहले ही डाउन कर लेना है जिससे आपके अटैक में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन्फर्नो उस साइड वाला डाउन करना है जहाँ इन्फर्नो के साथ साथ में कोई एक्स्ट्रा बिल्डिंग मिल रही हो स्प्लैश डैमेज वाली, जैसे कि हो गया विजार्ड टावर, बॉम्ब टावर, मोर्टार, या फिर एक्सपो भी मिल रहा है तो वो भी अच्छी बात है। वो भी अगर
डैमेज हो जाएगा तो हमारे बीचेस या फिर क्वीन इजीली उनको डाउन कर लेंगे। तो ये बेस हो चुका है इजीली 3 स्टार, इसमें हमने यूज किया था वॉल ब्रेकर। अब नेक्स्ट अटैक में हम यूज करेंगे लोग लॉन्चर का। आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट अटैक में। इस अटैक में हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें दोनों इन्फर्नो एक ही बार में मिल गया और हमने दोनों को इजीली डाउन कर लिया और दोनों मल्टी टारगेट थे, तो ये और भी अच्छी बात है हमारे अटैक के लिए। जैसे ही हमने इन्फर्नो को ब्रेक कर दिया, मैंने अपने गोलम्स को 7 और 8 o'clock से डिप्लॉय कर दिया जो कि टैंकिंग का काम करेंगे, और उनके पीछे से 2-2, 3-3 विजार्ड जो कि ट्रैश बिल्डिंग क्लियर करने का काम करेंगे, जिससे हमारे बाकी टूप बाहर की साइड ना जाएं, वो सीधे कोर में जाएं। और जैसे ही हमारे गोलम्स ने टैंकिंग काम करना शुरू कर दिया, हमने उसके पीछे से लोग लॉन्चर डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि लोग लॉन्चर थोड़ा टाइम लेता है वॉल को ब्रेक करने में, इसलिए मैंने अर्ली ही लोग लॉन्चर को डिप्लॉय कर दिया। जैसे ही लोग लॉन्चर ने वॉल कंपार्टमेंट तोड़ दिया तो मैंने उसके पीछे से बॉलर्स और क्वीन को डिप्लॉय कर दिया जो कि सीधे अंदर की साइड जाएंगे और इनमी के क्वीन को डाउन करने का काम करेंगे, क्योंकि इनमी क्वीन हमारे ट्रुप्सों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। और मैंने वहीं पे हील स्पेल का यूज़ कर दिया, वैसे उसकी कोई ज़रूरत थी नहीं क्योंकि वहाँ पे हमारे बॉलर्स थे नहीं, हमारे बॉलर्स भटक चुके थे और मर चुके थे, तो हमें हील स्पेल बचा के रखना चाहिए था। तो जैसे ही सीसी के सारे बॉलर्स निकले तो वहाँ पे अभी हमने हील और रेज का यूज़ कर दिया, और इस बेस में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सारे के सारे बिल्डिंग डाउन हो गए हैं, बस 2 एक्सो बचा है जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो भी इजीली डाउन हो जाएंगे क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे बीचेस बॉलर और साथ में क्वीन की एबिलिटी के साथ जिंदा है। आपको भी इस अटैक में कुछ करना नहीं है, बस आपको एक इन्फर्नो को डाउन करना है और गोलम डिप्लॉय कर देना है दूसरे इन्फर्नो के साइड से, और वहाँ पे आपको 10 या 15 सेकंड वेट करना है ताकि विजार्ड हमारे ट्रुप के लिए फनल क्रिएट कर दें, जिससे हमारे बाकी ट्रुप सीधे कोर में जाएं और सारे के सारे डिफेंसेस को डाउन करें, खास करके बॉलर्स और क्वीन, क्योंकि क्वीन अगर अंदर नहीं गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आगे और भी रिप्लेज हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के बेसिस पे, आप देख लीजिए, आपको ये स्ट्रेटजी को मास्टर करने में आपकी हेल्प करेगा वो। और वहाँ से आप ये भी देख पाएंगे कि आपको किस टाइप के बेसिस को कैसे टैकल करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट भी कर दीजिए कि मेरी गाइडिंग आपको कैसी लगी। अटैक्स को इंजॉय कीजिए, तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Through the highways, till my shadow
through the sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. Turn us to thousands, and we'll grow in.